गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं, आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम। बिहार में मर्डर केस के आईओ होंगे थानेदार, खुल के करेंगे हत्याकांडों की जांच, पुलिस मुख्यालय ने दिया आदेश। बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही, बदमाशों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। अपराध पर नकेल कसने को लेकर सीएम और पुलिस के अधिकारी काफी सख्त हो चुके हैं। थाने में लंबित पड़े केसों के निष्पादन को लेकर जिला पुलिस को कड़ा निर्देश दिया गया। बिहार में मिले कोरोना के 622 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 25,19,026। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के अनुसार बिहार में 622 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। टूटते ही धड़ाम से गिरे आरजेडी विधायक, कई लोगों को आई चोट, हॉस्पिटल में भर्ती। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के मंच टूटने की घटनाएं आपने सुनी होगी, लेकिन अब तक फिलहाल मोतिहारी में राजद विधायक शशि भूषण सिंह के मंच टूटने का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल शशि भूषण सिंह अमोदई गाँव में नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचे। आयुक्त वंदना नकिनी के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने खुला मोर्चा। भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी के द्वारा सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों और राजनेताओं को कहे गए अपशब्द पर नगर विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी आपत्ति जाहिर। मीडिया कर्मी के सवालों पर आयुक्त महोदया ने कहा सटक, आखिर किसे बचाना चाहती है मैडम जी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे कार्यों में इंजीनियरिंग कॉलेज से भेजी गई टेक्नोलॉजी जांच टीम ने गड़बड़ी उजागर कर दी। दरभंगा हवाई अड्डे पर खतरा बनी नीलगाय, प्रशासन ने सरकार को भेजा 56 लाख रुपए का प्रस्ताव। दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन इस एयरपोर्ट के लिए नीलगाय एक गंभीर खतरा बनी हुई है। जाने अनजाने में नीलगाय जंगल से निकलकर रनवे की तरफ आ जाती है, ऐसे में यहां एक बड़ी घटना होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण प्रशासन ने होमगार्ड और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए 56 लाख रुपए का प्रस्ताव सरकार। महिला की अधजली लाश मिली, पुलिस मामले की कर रही है जांच। जिले में एक अधजला शव मिला है, जिससे सनसनी फैल गई है। पुलिस ने महिला के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की अधजली लाश मिलने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार लग चुका है। आखिर महिला की मौत कैसे हुई और इसका कारण क्या है, यह पता अभी तक नहीं चल पाई। आयुक्त के अमर्यादित भाषा के विरोध में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनिक के द्वारा सवाल करने पर पत्रकारों को अमर्यादित भाषा कहे जाने के विरोध में भागलपुर पत्रकारों ने महासंघ के बैनर तले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष आक्रोश जाहिर किया। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रूपए, मटन स्टू 65 रूपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रूपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रूपए एवं मटन थाली 195 रूपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।